रिसेप्शन पर एंट्रीज हैं उससे युवक का पता लग गया है, जल्दी उसकी गिरफ्तारी करके उसको जेल भेजा जाए। आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर, हर खबर। बरेली के थाना कोतवाली इलाके के एक होटल में एक युवती की गला रेतकर हत्या कर देने की सूचना ने सनसनी फैला दी। सूचना पाकर थाना कोतवाली पुलिस और एसपी सिटी और फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंच गई। ये बरेली जिले की शहर कोतवाली क्षेत्र के सबसे व्यस्त इलाके रोडवेज बस स्टैंड के निकट स्थित होटल प्रीत है, जिसमें एक महिला की गला रेतकर निर्ममता से हत्या की गई है। सूचना पाकर थाना कोतवाली पुलिस और एसपी सिटी राहुल भाटी सहित फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंच गई। देखने में महिला का शव 2 दिन पुराना लग रहा है, जिससे बदबू आ रही थी। पुलिस की प्रारंभिक छानबीन में पता चला है कि इस घटना को अंजाम देने वाले युवक का मोहम्मद आलम नाम है, जो कि कोतवाली क्षेत्र के ही आजम नगर का रहने वाला है। वहीं इस मामले में एसपी सिटी राहुल भाटी का कहना है कि प्रथम दृष्टया मृतक युवती मुस्लिम प्रतीत हो रही है। आरोपी की पहचान हो गई है, जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना कोतवाली क्षेत्र में पुराना रोडवेज बस स्टेशन के पास एक प्रीति होटल, प्रीत पैलेस होटल में अभी तकरीबन 12:30 बजे के पास एक सूचना प्राप्त हुई कि एक 25-30 वर्षीय युवती की गला काटकर किसी व्यक्ति ने हत्या कर दी और होटल के रूम में उसकी लाश मिली। अभी मौके का भ्रमण कर लिया गया, फॉरेंसिक टीम आ गई। जो प्रथम दृष्टया लग रहा है उसके जो पहनावा है और वहां पर जो उसका सामान मिला है, बुरका भी मिला है और उसके अन्य पहनावा और शरीर के जो ऊपर जो उसने गहने पहने, उसे स्पष्ट है कि कोई मुस्लिम युवती है जिसका किसी युवक द्वारा ये हत्या कर दी गई थी। और जो रिसेप्शन पर एंट्रीज हैं उससे युवक का पता लग गया है, जल्दी उसकी गिरफ्तारी करके उसको जेल भेजा जाए। महिला की शिनाख्त नहीं हुई, लेकिन जिस आईडी पर पुरुष ने, जिसने हत्यारे ने रूम लिया है वो स्पष्ट है, उसका पता पुलिस द्वारा किया जा रहा है, उसकी आइडेंटिटी क्लियर हो गई है और उसको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाए। कितने दिन पुरानी लग रही है? डेड बॉडी तकरीबन 10-12 घंटे पुरानी। डेड बॉडी जो है उसकी धारदार हथियार से हत्या की गई महिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद नेशन न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी खबरों की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना न भूलें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.azadnationnews.com।